हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह के बज हुए हैं 8 और मैं आ गई हूँ बेडरूम के अंदर। और सबसे पहले अपना बेडरूम सेट करूँगी और जो मेरा ये डेली का ही रूटीन है वही आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और बेटा भी आज मेरा जल्दी उठ गया था, कुछ 7 बजे के करीब, तो बस फिर मैंने शुरू कर दिया जो मेरा काम है सारे वो। और फटाफट से बेटी स्कूल चली गई है, बेटा उस रूम में टीवी देख रहा है, तो मैंने सोचा फटाफट से जो ये वाला रूम है इसको मैं सेट कर देती हूँ और उसके बाद जो है मैं अपना चाय बनाऊंगी और अपना ब्रेकफास्ट करूंगी। अभी मैंने नहीं किया है क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले जो है मैंने आप लोग को बताया ये कि पहले मैं गर्म पानी पीती हूँ, फिर जो है कोई भी अपनी जो है फैट लूज़ करने वाली ड्रिंक है जैसे जीरे वाला पानी, लेमन, कुछ भी मैं ले लेती हूँ और अपना थोड़ा सा वर्कआउट करती हूँ। तो उसके एक आधे घंटे बाद, उसको पीने के बाद ही मैं अपना नाश्ता वगैरह करती हूँ। तो तब तक जो है मैं अपना सोचा रूम वगैरह सेट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी। तो बेटा आ चुका है मेरा इधर और बस ये वाला रूम मैं सेट कर दूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह लेने के लिए, नाश्ता लेने के लिए। बेटे को भी अभी मुझे कराना है, मैंने सोचा पहले इस रूम में चादर वगैरह बिछा के बेडरूम वगैरह मैं पहले क्लीन कर देती हूँ, इसे सेट कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, जो भी नए आते हैं और जिनको भी मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और जो भी रेगुलर्स देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। वीडियोज़ अच्छी लगती हैं ज़रूर शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग लाइक करते हैं फिर वीडियो बनाने का मन करता है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी, सपोर्ट कीजिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्पिक मत कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और यहाँ पर जो है मैं अपना पहले इस रूम की बेडशीट वगैरह बिछा कर इस रूम को सेट कर दूँगी, फिर मैं जाऊँगी किचन के अंदर और ये वाला रूम सेट कर दूँ, फिर इधर रह जाएगा झाड़ू वगैरह पोछा, वो बाद में भी कर लूँगी। तो ये डेली का ही रूटीन हो गया है मेरा, जो ये सुबह जो काम होते हैं ऐसे ही होते हैं सभी मेरे जो। और ये आप पीछे कपड़े वगैरह देख रहे हैं, मैं ना बेड की जो होती है ना उसके ऊपर रात को उसकी पजामी वगैरह रख देती हूँ, वॉशरूम वगैरह करता है चेंज करने के लिए बेटे की, तो वही पड़ी हैं उठानी है। और आजकल सर्दी हो गई है, मौसम में बहुत चेंज हो गया, जैसे ठंड लगने लग गई है अपनी। तो ऐसा था कि सुबह शाम की ठंड थी लेकिन बाहर लगती थी, रूम में नहीं लगती है, लेकिन अभी रूम में भी सुबह शाम ठंड रहती है। तो बस ऐसा, और कुछ कपड़े थे धोने वाले हस्बैंड के और वो सब बच्चों के, वो मैं निकाल रही हूँ, देखती हूँ कल या मैं मशीन लगाती हूँ या परसों धोऊँगी और धोने। और मुझे ये जो ब्लैंकेट है हमारा यहाँ पे जो बिछाते हैं इसे भी धोना है क्योंकि मौसम में चेंज आ गया, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। तो उससे पहले मैं एक बार इसे जरूर वॉश कर दूँगी, पहले मैं इसे ड्राई क्लीन करवा लेती थी लेकिन आजकल मैंने इसे वॉश मशीन में ही अच्छे से आ जाता है, सर्फ अच्छे से डाल दो इजी वगैरह तो फिर अच्छे से वॉश हो जाता है। तो बाहर जो है 300-400 लगाने से अच्छा है कि अपने घर पे आराम से धो। तो इसको मुझे धोना है, अभी देखती हूँ मैं कल धोती हूँ परसों धोती हूँ, बट मुझे है कि अच्छी सर्दी से पहले एक बार ही धो दूँ, फिर पूरी सर्दियाँ लेके फिर उसको बाद में मैं फिर वॉश करूँगी जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है लेकिन ये मुझे वॉश करना है। और ये थोड़ा जो है बड़ा काम है, मेहनत वाला काम है क्योंकि बहुत हैवी है, फिर इसे सुखाने में भी लग जाएंगे। अभी तो मौसम थोड़ा ठीक है, 2 दिन में सूख जाएगा, नहीं तो ये सर्दियों में तो नहीं सूखेगा, उस वगैरह धुंध वगैरह पड़ती है। तो इसको धो दूँगी, देखती हूँ अभी कब धोती हूँ मैं। तो बस ये रूम जो है मेरा फाइनली सेट हो चुका है और अब मैं जाऊँगी किचन के अंदर और मुझे लगी हुई है भूख, तो अपना सबसे पहले चाय पीने का मन कर रहा है, चाय पीनी है और साथ में बनाऊँगी, देखती हूँ एक पराठा या कुछ भी जो भी मुझे लेना है। तो बस यहाँ पर आ गई हूँ मैं किचन के अंदर, फटाफट से जो है चाय बनाते हैं अपने लिए। और वहाँ पे मैं वो ढक रही हूँ जीरा, क्योंकि जीरा मैं उबाल के सुबह पानी पीती हूँ, जो बच जाता है वो मैं तड़के वगैरह में यूज़ कर लेती हूँ, कभी भी फेंकती नहीं हूँ क्योंकि वेस्ट नहीं करना मुझे होता है, क्योंकि उसका बॉयल होके जो पानी है वो तो मैं पी लेती हूँ, जीरा वगैरह तड़के में काम आ जाता है। तो सुबह बनाई थी मैंने हस्बैंड के लिए चाय और अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। चाय में कोशिश करती हूँ थोड़ी से थोड़ी बनाऊँ, बस छोड़ नहीं सकती हूँ चाय को, ये हो गया मेरा। और कहीं चले जाओ तो फिर तो और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि देखकर रहा नहीं जाता। अपने घर में जो अपना आपका टाइम टेबल होता है ना, जो अपने रूल बनाए होते हैं वो घर पे फॉलो कर पाते हैं आप, ज़्यादातर बाहर भी कर सकते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मैं अभी अपनी मासी जी के घर गई थी तो कोशिश करती हूँ, उधर चाय बनती थी तो मन कर जाता था, और कहीं जाएँ तो ऐसा होता है ज़्यादा भूख वगैरह लगती, घर पर मैं अपना पूरा डाइट फॉलो कर रही थी तो वहाँ पर थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे हो गया, तो
अभी फिर आ गई हूँ घर पे, तो अब फिर कोशिश कर रही हूँ कि अपना जो है मैं अपना वही रूटीन रखूँ, वही जो मेरा रेगुलर था डाइट का रूटीन वही अपना रखूँ। तो यहाँ पे एक पेड़ा लेकर मैं अपने लिए आलू का जो है परांठा बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं घर पर आई हूँ तो कुछ मेरा अभी डाइट का मैंने जो जैसे कि मैं अपने लिए रखती हूँ पोहा रख लेती हूँ, तो जैसे दही जमा कर सूजी वाला जो चिल्ला वगैरह बना लेती हूँ, तो अभी है नहीं सामान मुझे लाना है। तो फिलहाल आज मैं पराठा आलू वाला बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, लेकिन आज मैं ले रही हूँ वो भी घी नहीं लगाऊंगी, सिंपल एक ही पराठा, क्योंकि चाय सिंपल पीऊँगी नहीं, खाली पी नहीं सकती, और बिस्किट वगैरह मैं नहीं लेना चाहती, उससे अच्छा तो मैं ये ले लूँ पराठा ले लेती हूँ, और फिर वही 1-2 बजे एक रोटी ले लेती हूँ, 2 सब्जियाँ दही, ऐसा ही मेरा चलता है। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ, और आलू जो है जैसे हो नहीं जाते मैंने कल उबाले थे, कल का थोड़ा सा मसाला पड़ा था, तो जैसे मतलब ये थिक थे, अभी इसमें लेसिस वगैरह जैसे पानी वगैरह नहीं हो जाता वैसे हो गए, बट एक बचा है मैं अभी अपने लिए बना लूँगी और मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, और फिर बेटे को खिलाती हूँ अपना करने के बाद, क्योंकि वो सोकर उठ के एकदम नहीं खाता है, थोड़ी देर टीवी देखता है खेलता है फिर उसका मूड बनता है फिर वो अपना खाता है खाना वगैरह, ऐसे उसका चलता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें आलू वगैरह भर दिए हैं अच्छे से, और सूखा बनाऊँगी मैं, और ये ना मतलब जैसे आटा भी पतला और ये सब हो के ना ऐसे टूट रहा था पराठा, तो ऐसे, और वो सामने आप देख सकते हैं येलो डिब्बा मैं लाई हूँ अपनी मासी के घर से, अचार मिर्ची का आम का अदरक का ऐसे अचार लाई हूँ, बहुत टेस्टी और यमी लगता है, लेकिन डाइट कर रही हूँ इसलिए बहुत मतलब खा नहीं सकती, लेकिन ले आई हूँ कि चलो हस्बैंड के और मेरा ब्रदर वगैरह कभी खा लेता है, बेटी तो नहीं खाती है, तो लेकिन कभी कभार मैं भी ले लूँगी डाइट कर रही हूँ, तो एक आधी मतलब जैसे मिर्ची मैंने ले ली तो लेनी, तो मुझे मिर्ची बहुत पसंद है लेकिन डाइट की वजह से मैं नहीं ले पाती, और आजकल मैं बिंदी लगाती हूँ मुझे अच्छी लगती है तो लगा रही हूँ, नहीं तो बहुत कम आपने मुझे देखा होगा मैं रेडी होकर ब्लॉग बनाती हूँ, तो बिंदी मैं ज़रूर लगाने लग गई हूँ, सुबह अच्छी लग रही है मुझे, और आप लोग भी बताना कैसी लग रही है कमेंट्स करके मुझे। और यहाँ पे ये देख सकती है पराठा ना सूखा मैंने बनाया, आलू बहुत इसमें भर गए थे और चिपक रहा था ये, और ये तंदूरी टाइप पराठा बन गया था, तंदूरी पराठा। और आइए आप लोग भी जो है खा लीजिए आलू का पराठा और चाय, पंजाबियों के ये फेवरेट खाने होते हैं पराठे वगैरह, लेकिन मैं अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आज मैंने बना लिया। और ऑयल मैं इसमें बिल्कुल नहीं लगाना चाहती थी, क्या हुआ कि इसके एक साइड आलू था तो वो चिपक के टूट ही जाता, इसलिए मैंने साइड में ना ऐसे थोड़ा सा कर दिया कि छूट जाए चिपके नहीं बिल्कुल भी, तो ऐसा है। तो बस यहाँ पे जो है मेरा पराठा रेडी हो चुका है, और गिलास में चाय ले रही हूँ मैं, क्योंकि कप की क्वांटिटी से ज़्यादा हो गया था इसलिए थोड़ा सा इसी में डाल लूँगी मैं, और पहले खुद कर लूँगी नाश्ता वगैरह, फिर बेटे को आराम से कराऊँगी, वो थोड़ा टाइम भी लगाता है खाने में, क्योंकि मैं आप लोग को बताती हूँ कि उसको खिलाना पिलाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, कि वो खा ले तो मुझे शांति मिल जाती है कि बच्चे का चलो पेट भर गया, कि उसके मूड पे डिपेंड करता है, वो खाता नहीं है बिल्कुल भी कुछ, और दूसरा ये कि वो टाइम लेता है, फिर उसको आराम से खिलाऊँगी मैं खुद मतलब खा लूँ, अगर वो लेट उठ जैसे कि वो पहले उठ कर जैसे उठा हुआ है तो काफ़ी टाइम हो जाता, फिर पहले मैं उसे कराती, लेकिन अभी उसे थोड़ी देर बाद कराऊंगी। तो आइए आप लोग भी नाश्ता ब्रेकफास्ट कर लीजिए, चलिए मैं आपको मिलकर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।